नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे RCF के बारे में। सरकारी कंपनी आज के दिन 5% इसमें डाउन साइड जाकर ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये डाउन साइड जाने का कारण क्या है? तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है जो कि कल से ही चालू हो चुकी है, और प्रॉफिट बुकिंग के अलावा इसमें कोई इसमें ख़राब न्यूज़ नहीं है। अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। 180 से इसने सपोर्ट लेकर कंटिन्यू 240 रुपये तक का इसने मूवमेंट दिया है। तो एक मुनाफा वसूली हो रही है जो कि बजट से पहले किया जा रहा था। तो एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो जाएगा। तो जब बजट का टाइम आएगा, जैसे 22-23 जुलाई से चालू होने वाला है, तब के 5-6 दिन पहले से ही मूवमेंट फिर दोबारा हमको स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। और ये तो सरकारी स्टॉक है, तो अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है बाद में। तो अभी हमारे पास एक जो करेक्शन हो रहा है, 200 रुपये तक का एक सपोर्ट लेवल है, मजबूत सपोर्ट लेवल है, और एक राउंड फिगर नंबर है। कभी भी कोई गिरता है स्टॉक ना, तो अच्छा सपोर्ट लेवल ही उसको दोबारा पुल अप करने का प्रयास करता है। तो 200 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, नीचे से 9 पॉइंट का है। यहाँ से अगर अपसाइड का मूवमेंट बनाता है तो पहला टारगेट होगा एक रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, जैसे कि 220 रुपये का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 240 रुपये तक का, इसमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जहाँ से गिरावट हो रही है वहाँ तक का भी मूवमेंट मिल सकता है। सारे कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं। चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय सेल पूरी कंडीशन ही है। जय हिंद।